क्या आपने कभी ऐसी मछली के बारे में सुना है जो अमर हो? तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि कौन सी मछली अमर होती है। जेलफिश टॉरीटॉप्सिस धरनाए नाम की मछली अमर होती है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें ऐसा क्या है जो इस मछली को अमर बनाता है। दरअसल जब ये मछली बड़ी होती है, मतलब एडल्ट होती है, तो ये 4.5 mm वाइड होती है। ये कभी मरती नहीं, लेकिन अपने आप को जुवेनाइल पॉलिप स्टेज में कन्वर्ट कर लेती है। उनके टेंटिकल्स मतलब पतला सॉफ्ट पार्ट जो कि कुछ सी एनिमल्स के लेग्स में होता है, जैसे कि ऑक्टोपस के 8 टेंटिकल्स होते हैं, तो उस मछली के वो टेंटिकल्स रिट्रैक्ट हो जाते हैं, शरीर श्रिंक हो जाता है और वे ओशन फ्लोर्स में डूब जाते हैं और अपनी ग्रोथ साइकिल को एक बार फिर से शुरू कर देती है। अब इस फिश की ग्रोथ साइकिल क्या है? इस जेलीफिश की दो डिस्टिंक्ट स्टेज होती हैं, पॉलीपॉइड स्टेज एंड मेड्यूसा स्टेज। तो सबसे पहले मैच्योर मेड्यूसा कुछ एग्स फर्टिलाइज करेगी और फिर वो एग्स प्लैनुला स्टेज में आएंगे और फिर से वही फिश उन एग्स प्लैनुला स्टेज से पॉलिप स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर मैच्योर मेड्यूसा स्टेज आएगी और फिर से वो एग्स फर्टिलाइज करेगी और वही साइकिल फिर से चलेगी। अब ये वही बात हो गई कि एक बूढ़ा इंसान अपने आप को बच्चे में कन्वर्ट कर सकता है। यही ये जेलीफिश करती है और अमर रहती है जब तक इसे कोई और मछली या जानवर खा ना ले। ये मछली सिर्फ तभी मर सकती है जब इसे कोई मार दे या फिर किसी की चोट के कारण, लेकिन कभी एज वाइज नहीं मरती। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।